मतलब कंटिन्यूएशन है कि सिल की बीमारी में जो बढ़ जाए वो सही है। सिल कौन सी बीमारी है? सिल वो एक सीवर की बीमारी हुआ करती थी, जिसको आप टीबी कह दीजिए, कि उससे आदमी को धूप वगैरह में धूप आया करता था। उसके बारे में यह है कि वो इस बीमारी में मर जाए तो सही है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुन्नी कादरी रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हुजूर का नाम जो है वो शर्ते ईमान है, और हुजूर का जिक्र जो है वो अल्लाह तआला का जिक्र है, और हुजूर का की ताजीम जो है वो जो है अल्लाह की ताजीम के लिए शर्त है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये हरगिज जो है तन्हा कबूल नहीं है, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहा जाए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो ये जो है मालूम हुआ कि हुजूर का नाम शर्त ईमान है, हुजूर का नाम जो है शर्त जिक्र है, और हुजूर का नाम जो है और हुजूर की का नाम जो है वो शर्त इबादत भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर का नाम जो है जब शर्त इबादत है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ऐन इबादत में हुजूर की तअज़ीम को जो है फर्ज किया, अपनी ऐन इबादत में हुजूर की तअज़ीम को फर्ज किया कि अगर हुजूर की तअज़ीम नहीं होगी तो ना ईमान होगा, ना जिक्र होगा, ना अल्लाह की मोहब्बत होगी, ना अल्लाह की मार्फत होगी, ना अल्लाह की इबादत होगी, ना अल्लाह की तअज़ीम होगी, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा अकीदा क्या है कि हमारे सरकार अल्लाह के रसूल जो है जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी अपने कब्र शरीफ में जिंदा है कि नहीं है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो कलमे से पता लग रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मालूम यह हुआ कि कलमा जो है ये बता रहा है कि ईमान जो है उन्हीं लोगों का है, दीन उन्हीं लोगों का है, और कलमा उन्हीं लोगों का है, और अहले कलमा वही है जो ये इस अकीदे के साथ कलमा पढ़ते हैं कि हमारा रसूल जो है वो जिंदा है। हमारा रसूल जो है क्या है? जिंदा है। और हमारा रसूल जो है इस जान की जिंदा जिंदा है कि वो कल भी अल्लाह का रसूल था, आज भी अल्लाह का रसूल है, और आज भी वो जिंदा है, और कयामत तक वो जिंदा रहेगा। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।